ये रहा हमारा आरएस। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने आरएस को रेडी। पहले तो हम लोग दे देंगे उसको सर्विस सेंटर में कोई ले जाके। वो लगभग 6 महीना से हमारे घर में पड़ा हुआ है। उसका थोड़ा मैंने 4-5 दिन पहले ही प्लान किया था कि उसको मैं बनवाऊंगा, लेकिन थोड़ा तबीयत बीच में ख़राब हो गया था, तो इसी वजह से उसका अपडेट मैं नहीं रिवील कर पाया और आप लोग को कुछ बता भी नहीं पाया। तो चलिए एक बार आरएस को देखते हैं और उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताऊंगा। उसको मॉडिफिकेशन भी हम लोग को करवाने का हम लोग प्लान किए हैं, और आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे क्योंकि बहुत अच्छा हम लोगों ने प्लान किया है कि कुछ ऐसा बना के आप लोगों को दिखाएं कि आप लोग को भी थोड़ा मज़ा आए। और हमारे चैनल से बने रहने से आपको ये भी फ़ायदा हो सकता है कि आपको मोटो ब्लॉगिंग के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 महीना से लगा हुआ है, तो उसमें स्पेयर पार्ट का भी बहुत सारा इशू आ गया होगा। अच्छा, और हो सकता है कि हम लोग को बैटरी भी चेंज कराना पड़े। समझ गया। तो चलिए पहले एक बार बाइक का ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद आगे का बात करते हैं। तो गाइस चलिए अब अंदर चलते हैं। इसी घर में हम लोग गाड़ी लगाए हुए हैं, आरएस 200 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरएस बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन है। वो 200 सीसी सेगमेंट में बीस्ट बाइक माना जाता है, और उसको अगर देखा जाए तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है 200 सीसी सेगमेंट में। उसको बीस्ट बाइक बोला जाता है। वो आपको आराम से 165 का टॉप स्पीड टच करके दे सकता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन है वो। चलिए आइए, अंदर आइए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये झाँप के रखा हुआ है, ये रहा हमारा आरएस। और ये मैं आपको बताना भूल गया कि ये BS3 मॉडल है। BS3 बाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है पिकअप के भी मामले में, क्योंकि उसके बाद जो भी BS4 मॉडल गाड़ी आया है वो सबको रिफाइन इंजन करने की वजह से, देखिए इसमें से कुछ चम्मच भी गिर रहा है क्योंकि बच्चा सब है यहाँ पे, तो वही सब छेड़छाड़ किया है इसके साथ। देखिए ये इंडिकेटर भी टूटा हुआ है, ये इंडिकेटर बचा हुआ है। मैं आपको बाहर निकाल के पूरा ओवरव्यू देता हूँ। ये चाबी है, लगाया, देखते हैं लाइट आता है कि नहीं। नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसा कि मैं बोला था कि बैटरी का इशू हो सकता है, और हमारा बाइक ज़्यादा चला नहीं है। हमारा बाइक वही चला होगा लगभग 40,000 किलोमीटर। 2016 का मॉडल है, 4 या 5 महीने का होगा। बहुत अच्छा बाइक है, आज भी वैसा ही पावर है। आप लोग को तो इसका अपडेट मिल आ ही रहेगा, ताकि आप लोग इंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने बाइक को निकाल लिया है। एक ये लीवर का भी इशू लगता है मुझे, ये केरा है, गिरा उड़ा दिया होगा ये। उसके बाद ये सब ठीक है, इंडिकेटर एक और बचा हुआ है, दो बचा हुआ है, दो खराब है। एक बार ओवरव्यू दो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ है, तो लगता है अंदर चूहा इसको भींच के ले गया है, और भी कोई इशू हो सकता है। देखिए पूरा चूहा, पूरा बाथरूम किया हुआ है, काट कूट किया हुआ है वायर सबको। चलिए कोई बात नहीं, इसको बनवाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलिए तो हम लोग अब सर्विस सेंटर के लिए निकलते हैं। इसको ठेल के ही ले जाना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए हम लोग तो ठेल ही लेंगे, उतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा।
चलिए तो हम लोग को सपोर्ट कीजिए, आगे आप सर्विस सेंटर पे मिलते। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग बाइक को खेल के ले आए हैं यहाँ पे। इसका नाम है खुशी बाइक मॉडिफिकेशन, ये स्पोर्ट्स बाइक के स्पेशलिस्ट है, हमारे फ्रेंड ही है आमिर भैया, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स बाइक बनाते हैं। जैसा कि आप लोग कभी आइएगा सीतामढ़ी तो कभी बजाज सर्विस सेंटर में विजिट कीजिएगा, बहुत ही चीप क्वालिटी का वो सर्विस सेंटर है। कोई भी स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल नहीं रहता है, ना ही कोई अच्छा मैकेनिक है जो आपके बाइक को फुल्ली रिपेयर करके आपको बस वो टाइम देगा कि आज आओ कल आओ परसों आओ, परसों आ जाएगा तरसों आ जाएगा, ऐसा ही बस करता रहता है। तो गाइस जैसा कि हम लोग इसको ठेल के लाए हैं 1 किलोमीटर यहाँ पे लगभग, और आज सैटरडे है तो सैटरडे को आमिर भैया ऑफ रखते हैं अपना स्टोर, तो इसी वजह से हम लोग को फिर से वापस उसको ठेल के ले जाना पड़ेगा घर पे, और कल फिर से 1 किलोमीटर लगभग वापस लेके आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्टोर है उनका घर नहीं, नहीं तो हम लोग दे देते उनके घर पे ही। तो चलिए अब जो भी अपडेट मिलेगा कल आएंगे, तो कल मिलेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करें।